हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माही स्टाइल ब्लॉग। आज जो मैं लेकर आई हूँ रेमेडी, वो इतनी बेस्ट है जिससे आपकी स्किन व्हाइट एंड ग्लो दिखेगी, मतलब वन टोन व्हाइट एंड ग्लो दिखेगी आपको। आपको क्या करना है उसके लिए, मैं आपको जो पांच चीजें बताऊंगी उस पर आपको फोकस करना है। क्या करना है, 7 डे चैलेंज। वो क्या होता है, हमें डेली ही 7 दिन उस रेमेडी को डेली यूज करना है। आप 7 दिन तक लगाएंगे, आपकी स्किन इतनी ब्राइटन हो जाएगी, बहुत ज्यादा, आप बहुत खुश हो जाओगे कि मैंने आपको क्या बता दिया। वो क्या है, आप मार्केट से एक फेशियल किट लेकर आते हो, उसे करते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं क्योंकि आपके फेस पे रिंकल्स, पिंपल्स, ये सारी चीजें निकल आती हैं। लेकिन जो मैं बताने वाली हूँ आपको, उससे आपके फेस पे काफी फोकस पड़ेगा और आपको ये सब महंगा प्रोडक्ट लेने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली ही आपके घर में सारे ही किचन में सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको उनसे ही करना है। पहली चीज क्या है, बेसन, दही, कॉफी, हनी एंड टर्मरिक। आपको पता है ये बेसन हमारे फेस पे कितना वर्क करता है, सदियों पुरानी चीज है, आपको पता ही होगा। जब भी मम्मी बोलती हैं ये लगा लो वो लगा लो, तो सारी चीजों में क्या आता है, दही बेसन ना, तो वो बेस्ट रहता है। एंड हम बात करते हैं आज जो हमारी रेमेडी है वो है फेशियल से भी बेस्ट एंड क्लास ग्लो स्किन। क्या है वो है उबटन। आज हम उबटन बनाने वाले हैं, वो अपने फेस पे लगाएंगे क्योंकि मार्केट से आप जो उबटन लेंगे उसमें काफी केमिकल्स होते हैं। केमिकल्स हमारे फेस को काफी हार्म करते हैं क्योंकि हमारी स्किन जो फेस की होती है काफी सॉफ्टली एंड लाइटली रहती है। अगर हम उसको कुछ भी ऐसा लगा लेंगे जो हमें सूट नहीं करता है तो उससे हमारी स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन ये वाला जो उबटन है वो हर स्किन टोन के लिए जाता है, लाइटन भी, ब्राइटन भी एंड डार्क्स भी, ये सारे स्किन टोन के लिए जाएगा। तो लाइक स्टार्ट करते हैं। हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम बेसन डालेंगे, टर्मरिक डालेंगे, कॉफ़ी डालेंगे, ऑप्शनल है, दही डालेंगे, दही घर का हो तो बेस्ट होगा, मैंने 2 चम्मच दही डाला है। और फिर मैं इसमें हनी डालूंगी, हनी टमी टाइप और स्किन को टाइट करेगा हमारी। इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूंगी। सो फाइनली मेरा जो मिक्सर है, जो पैक है, वो रेडी हो गया है। अब हम इसे यूज़ करेंगे। इस रेमेडी को यूज करने के लिए पहले हमें अपने बालों को टैनिंग कर लेना है, मतलब पॉनी कर लेना है, वरना हमारे जो हेयर है वो बेकार हो जाएंगे। देन हमें अपने फेस को क्लीन कर लेना है। मैं अपने, या तो आप अपने फेस को फेस वॉश से वॉश कर लीजिए या किसी कपड़े से, अपने सॉफ्ट कपड़े से अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। सो गाइस, मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। अब हम अपना उबटन का जो मास्क है वो अपने फेस पे लगाएंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले आपको क्या करना है, इसको लगाएंगे लेकिन इसको पूरा नहीं सुखाएंगे, वरना हमारे फेस को हार्म करेगा। सो गाइस, फाइनली मेरी जो रेमेडी है ये है। मैं इसको फेस पे पतली लेयर लगाऊंगी। पहले हम पतली लेयर इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें इसे लगा के थोड़ा सा मसाज करना है, फिर हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे लेयर को, फिर इसको पूरा नहीं सुखाएंगे, सुखाने से पहले इसको निकाल देंगे। हमें इस पैक को पूरा नहीं सुखाना है, ऑलमोस्ट 80% ही हमें सुखाना है क्योंकि हमें इसको स्क्रब करना है, उसके बाद में हम वॉश करेंगे। सो गाइस, मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ। आप देख ही सकते हो कि मतलब मेरे स्किन से 1 या 2 टोन व्हाइट हो चुका है। आप सोचिए अगर 7 डे आप यूज करोगे तो आपका स्किन कितनी ब्राइट हो जाएगी। ये 2 टोन व्हाइट हो चुकी है। आप सोच सकते हो ये रेमेडी आपके लिए कितना हेल्पफुल होगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।